हाथ मार भी तेरे जीवन दी घड़ी भी एक गुजर गई है। एक बात होर ध्यान च रखियो, भाई गुरदास साहब जी दे समय आज जो हाथ ते बनिया घड़िया ये इजाद नहीं हुई सन, इन्हां घड़िया की काढ़ नहीं निकली सी। उस समय समा देखन दा जो ढंग बनाया गया सी ओह सी भी छोटी जी एक मटकी लै लैनी, जिवें असीं वड्डे नूं घड़ा कहिंदे आ ना, ते छोटी नूं कहना घड़ी मटकी। उस छोटी घड़ी विच थल्ले निक्का जिहा इक छेक कर देना, मोरी कर देनी, छेक करके उस नूं पानी विच रख देना, थल्लों उस मटकी दे घड़ी दे पानी पैंदा रहना। जदों ओ पूरी भर जानी ते सुभाविक गल है भी भरेगी ते पानी विच डुबेगी। जदों पूरी भर गई पानी विच डुबन लगी, पास समय की सूचना देन वाले ने जोर दी घड़ियाल ते चोट मारी, नगर निवासियां नूं पता चल गया भी एक घड़ी लंघ गई। फिर खाली करना, फिर उस नूं पानी विच रख देना, फिर थल्लों पानी पैंदे रहना, फिर जदों भर के डुबन लगना फिर उसने घड़ियाल ते चोट मारनी। भाई गुरदास साहब जी ने उस ढंग नूं इस कवित विच वर्णन किया है, जैसे जैसे जल भर भर बेली बूडत है, कहन लगे इधर ते पानी नाल भर भर के एक घड़ी ए मटकी डुबदी पई है, तू अपने जीवन वाल झात मारी, तेरी लंघी घड़ी किते इंज पापा नाल ते नहीं पई डुबदी है। पूर्ण होए पापन की नाव है हिराए है, ओ भलिया अपनी इस नौका नूं क्यों पापां दे भरे होए पापां दे भार दे नाल डोबी जा रहा है। इस करके साहब कहिंदे ने अपने जीवन दी बेड़ी वाल झात मारियो, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगै मत जाई, सनमुख सिद्ध भेटन को आई, निहचो देह वढाई। ऐ गुरुदेव मैं आप जी दे सनमुख आया हाँ, की करन आया हाँ, सिद्ध भेटन को आए, मैं उस सिद्ध परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी नूं मिलन दे लई आया। फलासी भी जदों गुरु कोल आईए ते मैं बेनती कर लगा, अगर इस शब्द दे भाव नाल आईए ते जिंदगी दा नक्शा कुछ होर हो जाए। अंदर अपने पापा वाल झात मार के गुरु अगे पुकार करिए, मालक पापा नाल भरे हुए हाँ, मैं तेरे सनमुख आया हाँ, वाहिगुरु दे मिलाप लई आया हाँ, तेरे सनमुख आया हाँ, इन्हां पापा दे भरे हुए भार नाल डुब ना जावां, मैनू बचा लवी, ये अरदास करन लई तेरे कोल आया हाँ। निश्चो दे वड्याई, मैनू मालक रहमत कर, ऐसी बख्शिश कर कि ऐसी वड्याई तेरे दर तो मैनू निश्चय करके मिल जाए, मैनू हुण डोलना ना पै। ध्यान च रखियो, एक पासे है डोलना, एक पासे है निश्चो, निश्चा पक्का विश्वास ते भरोसा, दो गल्लां जरा ध्यान च रखियो। गुरु दे भरोसे तो भी कदी डोल ना जायो, ते सामने औगण विकार ते पाप होण ते पापां नूं वेख के भी डोल ना जायो। जदों गुरु दा भरोसा डोल जांदा है, समझ लैना डीगन डोला तऊ लो, जो मन के भरमा भ्रम काटे गुर अपने पाए विश्रामा। ओए बखादी दोखिया ते हम ते छूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे, ये सच है औगणा दा खेड़ा साडे नालों छुट गया ते साडा खेड़ा औगणा नालों छुट गया। ते साहब कहन लगे आ गुरु दी चरण शरण विच आके पुकार कर के मालक मैनू रहमत करके ऐसा पक्का हिरदे विच नाम दा खजाना बख्शिश कर दे कि तेरे दर दी वड्याई नाम दी वड्याई मिल जाए। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने, मेरा निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया। ऐ गुरु मैनू तारो, आप तारनहार हो, जेड़ा शरण विच आ जाए उसनू तार देंदे हो। कदी सैदे मला दी
बेड़ी विच बैठते हो वह आप जी नाल वचन करद आप जी दे मुखों मिठे मिठे बोल हिरदे दे भाव विच वसांद जदों बेड़ी किनारे लगांद मेरे साहब पैसे कढ के सैदे मलाह नूं मजदूरी देन लगदे ने सैदा मलाह हथ जोड़ दिंदा पातशाह ना ना मेरा उधार हो गया आप नाल कहन लगे उधार की पिया गल करद हाँ जी मैं ठीक कह रहा पातशाह आप आए मेरे घाट ते बैठे मेरी बेड़ी विच मैं पार कर दिता मर के जदों आवां मैं तुहाडे घाट ते ते मैनू भी भव सागर तो पार कर देना गुरतार तारन हारिया हे गुरु आप तारन हार हो मैनू तार देवो मैं एक बेनती करांगा धन दा सहारा नहीं तार सकदा दुनिया विच किसी व्यक्ति दे आसरे तरना चाहिए ते नहीं तर सकते अरे झूठी तसलियों पे गुजर कर रहे हैं लोग अरे कागज की किश्तियों पे सफर कर रहे हैं लोग दुनिया दिया झूठिया तसलियां वो पार नहीं कर सकदियां मेरे साहब कहंदे ने दुनिया दिया झूठिया तसलियां ते झूठे आसरे इंज ने जिवें तू कागज की बेड़ी बना के उस विच बैठना चाहे ते कागर नाव लंघे कत सागर कागर नाव लंघे कत सागर बिरथा कथत हम तरते एवें कहंदे पए ने भी असी तर जावांगे असी तर रहे हाँ वो तू ते कागज की बेड़ी विच बैठा बेचारी आप नहीं तर सकेगी तेनू कितों पार कर देवेगी जरा एक बात होर ध्यान च रख लेना ना ते कागज की बेड़ी तार सकती है ते ना पत्थर की बेड़ी तार सकती है पत्थर की बेड़ी जे चढ़ा भार नाल बुढ़ावे ध्यान च रख लेना पल्ले कुछ भी नहीं कहे मैं तर जावांगा कागज की बेड़ी विच बैठा पल्ले बहुत कुछ कट्ठा करके हंकार भर लिया मेरे को बहुत कुछ है समझ लेना पत्थर की बेड़ी विच बैठा इस करके मेरे साहब कहंदे ने तू गुरु की शरण विच आ ते गुरु की शरण विच आके आसरा लै संसार दे आसरे जिंदगी बतीत ना करी भी मैनू की लोड़ है मैनू डुबन का की खतर है एक बात ध्यान च रख लेना एक अदीप कहंदा मैं दुनिया के लोगों वल वेखिया कहंदे सी असीं तुहाडे मित्र हाँ असीं तुहाडे साथी हाँ लोड़ पए तो मैनू याद कर लेना मैं सहारा देवांगा पर हालत यह हुंदी है संसारक तौर पर भी मुसीबत आ पए तो सारे साथ छड़ जांदे ने सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरे विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरे साहिल पै कितने लोग साथ साथ दे साहिल पे कितने लोग साथ साथ थे तो हाँ कि जद मैं आया तो तिनका नहीं मिला इस संसार दी हालत है इस करके साहब कहंदे ने उन्हां दे आसरे ना सोची कि मैनू खतरा कोई नहीं तू गुरु दे आसरे जिंदगी बतीत करें ते तेनू खतरा कोई नहीं गुरतार तारन हारिया दे भगत पूरन अविनाशी हों तुझको बलहारिया ए मेरे अविनाशी वाहिगुरु जीओ अपनी भगती दा दान दे देवो जे मेरी सुरत विच वाहिगुरु नाम दी भगती आ जाए जरा एक बात विचार च रख लेना मैं शायद आप जी दे सिमरन दे आसरे अपना जीवन ऐसी बंदगी विच लीन कर लेवां जेड़ी सुरत औगना विच डुबदी सी ओ सुरत हुण नाम विच शब्द विच रहन लग पई ओ जेड़ी सुरत बेनती कर लगा इत्थे डुबदी की है बेड़ी केड़ी डुबदी है शरीरक तौर ते वधिया खाध है कपड़े आला पहने बिस्तरा वधिया मिले साजो समान बहुत कीमती कोल है दुनिया के पक्ष तो सब कुछ कोल है पर अंदर झात मारी तो शुभ गुणा के खजाने चो एक भी गुण पल्ले विच नहीं है अंदर झात मारी सुरत विच नाम नहीं सुरत विच दुनिया ही घर करी बैठी है ए मालिक ये सुरत पता नहीं कभी काम विच डुब जाती है
कदी सुरत क्रोध विच डुब जांदी है, कदी लोभ मोह ते हंकार विच डुब जांदी है। चार चफेरे दुनिया दे डोबन वाला जल घेरी बैठा है, तू रहमत कर मेरी सुरत विच नाम वस जाए। भगौती भगवंत भगत का रंग, भगौती बंदगी करन वाला, भगवंत अकाल पुरख वाहिगुरु, ते भगत का रंग भगती दा रंग चढ़ जाए भगत नूं। भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। अगर भगती दा रंग चढ़ेगा ते डोबन वाले सारे दुष्टां दा संग त्याग देवेगा, फिर डुबन दा खतरा नहीं। ए मालक तू मैनू रहमत करके भगती दी दात बख्शिश कर दे, जिथे बैठा जपा, जिथे बैठा सिमरन विच लीन हो जावा। मैं एक बेनती कर लगा, गुर बोहित दरियाओ, गुर बोहित दरियाओ, इस संसार दे दरियाओ दा गुरु बोहित ने, पलक डुबंत तारे, एक पलक अख दे झमकन जिन्ने समय विच ही डुबदे नूं तार देंदे, ये गुरु विच बख्शिश है। एक बेनती होर कर लगा, गुरु मलाह ने भला मलाह बेड़ी कोल ना होवे ते बगैर बेड़ी तो आखे मैनूं चप्पू मारने आउंदे, मैं आपे तार देंगा, तार सकदा मलाह? तार सकदा बशर्ते के कोल बेड़ी होवे ते। अकेली बेड़ी होवे ते मलाह ना होवे ते मैं बेनती करा भी बेड़ी पता नहीं लहरां नाल किधर दी किधर चली जानी है, वो बेड़ी डुब जाएगी। अकेली बेड़ी भी तार नहीं सकदी, बेनती कर लगा, अकेला मलाह भी नहीं तार सकदा। दुनिया विच बड़े अपने अपने धर्म चलान वाले, शायद पखंड दे आधार ते लोगां नूं भरम भुलेखा पाउण वाले मला बन बैठे होवनगे, पर अगर उन्हां कोल बेड़ी नहीं। मैं वेरवा देन लगा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी एक पंक्ति चों, बेड़ी की है ते मला दा की काम है? हर हर नाम पोत है मेरी जिंदड़िए, गुर खेवट शब्द तराया राम, नाम है बोहित विच जहाज, नाम है इस भाव सागर विच बेड़ी, ते गुरु ने इस बेड़ी नू चलाउण वाले मलाह। अगर गुरु दे मलाह दे आधार दे नाम दी बेड़ी विच बैठेगा ते तर जाएगा। अगर आखे भी मैं आपे ही नाम जप लैंदा, मैनू गुरु दी लोड़ नहीं, मैनू इंज लगदा भी कह देवे भी मैं बेड़ी विच बैठ गया, मैनू मलाह दी लोड़ नहीं। ते कोई आखे मैं किसे गुरु कोलो गुरमंत्र लै लिया, बस उन्हों आपे पार कर देगा, मैनू नाम जपन दी लोड़ नहीं। समझ लैना भी केला मलाह ही कोल खलोता है, उस कोल बेड़ी नहीं है। इस करके मेरे साहब कहंदे ने, धन गुरु ग्रंथ साहब तेरी जिंदगी दी बेड़ी नू चलान वाले मलाह ने, ते गुरु मलाह ने तेनू नाम दी दात दे के नाम दे बोहित विच बिठा दिता है। हुण आपू नाम जपया नहीं सी जांदा, गुरु कोल आए, धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे, गुर किरपाल जब पहे ता अवगुण सब छपे। इस करके गुरु कोल आ, उन्हां नूं कह मैनू तार देवो, आप कोल है नाम दा जहाज, उस नाम दे जहाज विच मैनू बिठा देवो। रहाओ, अगे विश्राम दे के सतगुरु बख्शिश करदे ने। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। जदों गुरु नूं आखिया ना, गुरतार तार नहारिया, दे भगत पूरन अविनाशी हों तुझ को बलहारिया, मैनू भगती दे, उस पूरन अविनाशी परमात्मा दी भगती दे, मैं तेरे तो बलहार बलहार जांदा हाँ। ते फिर सिद्ध साधक जोगी और जंगम, यह है कुछ धार्मिक दुनिया के अदारे विच लोगां दी वक्री वक्री विचारधारा वाले लोगों का चलना। कुछ सिद्ध सन कहिंदे सन, असी 84 सिद्धां विचों सिद्ध हाँ,
कुछ साधक सन यानी सिद्ध वह जेडे कहते पोग गए असी पहुँच गए कुछ सन साधक जेडे कहते अजे पहुंचे तो नहीं पर अजे असी साधना कर रहे हैं असी अजे राह पर धर्म के राह पर चले हुए हैं कुछ सन योगी लोग कन्न पाटे मुंदरां पा लिया अपने अपने योग साधना के सारे लक्षण धारण कर ले एक सन जंगम ते जंगम एक धार्मिक साधु जमात वो है जेड़े किसी चीज ते चढ़ते नहीं ध्यान च रख लेना शायद आपने कई बारी जे कति हेमकुंड साहब जांदियां कुछ साधुओं नू वेख्या होगा भी वह पैदल ही पहाड़ों ते चले जाते हैं वो जंगम साधुओं की जमात है जंगा कहिंदे ने लत्तां नू जेड़े पैरां नाल लत्तां दे आधार ते चलन दी कहना सी किसे चीज ते चढ़ के नहीं किते जाना जे तीरथ ते जाना है ते चल के जाना दूर दुराडे भी तीरथ ते जाना है ते पैदल चल के जाना उन्होंने कहिंदे ने जंगम जमात हजूर कहन लगे सिद्ध साधक योगी और जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया जिन्ना ने एक सिद्ध नू त्याया एक अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम आराधन किया समझ लेना ओही योगी ओही जंगम ओही सिद्ध ओही साधक ते जे वाहिगुरु नू नहीं त्याया ते ना सिद्ध ना साधक ना योगी ना जंगम परसत पैर सिजत ते स्वामनी परसत पैर अपने मालक दे चरण स्पर्श लाए सिजत ओ सिज गए वो प्रवान हो गए वो पहुँच गए वो पुग गए वो सफल हो गए कोई भी भाव ले लेना जिन्ना ने वाहिगुरु के चरण कमलों का स्पर्श नहीं किया समझ लेना अधूरे रह गए वो सफल नहीं होए तो वाहिगुरु के चरण की ने फरसत पैर व्यक्ति होवे ते उस दे पैर परसन की कोई गल आखे तो गल समझ में आ गई तो वाहिगुरु तो व्यक्ति नहीं है गुरु भी व्यक्ति नहीं है ते हुन उस निराकार अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरण परसन की गल बड़ी वारी गुरबाणी च भी आई बई बड़ी वारी इतिहास विच भी आई है बड़ी वारी चरण परसन की गल भाई गुरदास साहिब जी भी कीती है उस वाहिगुरु दे चरण परसन की जो गल है उस नू जरा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विचों बड़े संकेतक बोलां राही समझ लेना हर के चरण जप जाऊं कुर्बान हरी दे चरण जपना नाम जपना ते वाहिगुरु दे ना चरणा तो कुर्बान चले जा वाहिगुरु दे चरण ने नाम जदों सुरत विच नाम दा स्पर्श हो जाए ते परसत पैर गल बन गई जिमें मनुख दे शरीर नू चुकन वाले मनुख दे पैर ने ध्यान च रख लेना जे किसे दे पैर खिच दईए ते बंदा डिग पैंदा जिवें मनुख दे शरीर नू उठावन वाले पैर ने तमाम ब्रह्मांड नू टिकावन वाली वाहिगुरु दी नाम शक्ति वाहिगुरु दे पैर ने नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड जिस नाम ने तारे दे अर्थ ने टिकाए हुए ने जीव जंतु तमाम ब्रह्मांड तमाम धरती दे टुकड़े ओ वाहिगुरु दे नाम रूपी चरण जदों अंदर दे हिरदे विच एकमिक हो गए भाव वाहिगुरु दे नाम नाल जपदियां जपदियां जपत जपत पहे दीन दयाला ए ते नदी दा स्पर्श है सागर नू चलदी चलदी सागर विच आई नदी नाम मुक गया नदी दा चलना मुक गया नदी दे किनारियां वाली गल मुक गई नदी वाला पानी मुक गया ओ नदी सागर नू स्पर्श करदी है सागर रूप हो जांदी है हिरदा वाहिगुरु दे नाम नू स्पर्श करदा हिरदा नाम रूप हो जांदा है सफल हो गया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया बस एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल जिन्ना नू अखर आ गया आखना ध्यान च रख लेना ओ अखरी नाम अखरी सलाह अखरी
ज्ञान गीत गुण गा, बस दृष्टमान अखर है जेता, ध्यान च रखियो। वो दुनिया के अखरां वाल ना जाना, एक अखर ने जेड़े दुनिया वाल लै जांदे ने, एक अखर है जेड़ा वाहिगुरु वाल लै जांदा है, तो वह भी अखर ने ना। मैं एक बेनती करांगा, एक अखर ने जिन्ना अखरां दी बंतर है 52 अक्षर लोक त्रै सब किश इन्हीं माहे, वो अखर खिर जाहेंगे ये अखर इहो ना है। जेड़े दुनिया दे अखर ने वो खिर जानगे, खर जानगे, खोर जानगे, मिट जानगे, नष्ट हो जानगे। जेड़े वाहिगुरु दे नाम दे अखर ने वो सदीवी कैम रहन वाले ने। एक ओंकार बोलांगे, वाहिगुरु बोलांगे, वाहिगुरु दे बोलां विच सुरत विलीन कर लेवांगे, ये अखर सदा स्थिर रहेगा। इस अखर नाल जुड़िया होया भी सदा स्थिर रहेगा। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। इस करके जिन्ना नू अखर आ गया, आखर आ गया, खार तो रहत, नाश तो रहत, वाहिगुरु जिन्ना दे हिरदे विच आ गया, समझ लेना उन्हां दी जिंदगी सफला हो गई जी। जप तप संजम कर्म न जाना, जप करना पर ना ये भाव लेना भी मैनू जप करना आ गया। गुरु दे सेवा दे तप दे मार्ग ते चलना, एक तप तपी लोग करदे रहे, बड़ी सर्दी आई सिर विच ठंडा जल जल धारा कर, बड़ी तपस्या कीती, गर्मी आई ते चार चफेरे अग बाल के धूनिया तपदे रहे, ते पुछिया भी बाबा की करदे हो, कहिंदे तप करदे हां, ते सियाणिया आखिया भी हिरदा ते अगे पिया तपदा सी नू होर की पिया तपांदा। ऐ भलिया दुनिया दे कर्म कांड वाले किसे जप विच किसे तप विच फसन दी लोड़ नहीं। मालक नू कह देना ना मैनू जप आउंदा है, ना मैनू तप आउंदा है, ना मैनू संजम। संजम कहिंदे सन अपनिया ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां ते 11वें मन नू रोक लेना। 5 ने ज्ञान इंद्रिये, 5 ने कर्म इंद्रिये, 11वां है मन। अखां बंद कर लईयां, कन्न मूंद लीते, जुबान बोलन तो बंद कर ली, इन्हां नू बाहर निकलन ना दिता, हत्थां नाल कुछ ना कीता, पैरां नाल कुछ ना कीता, एक थावें टिक के बैठ गया, ते पुछिया भी ये की गल कहन लगा, मैं संजम प्या करदा। मन नू रोक लिया, पर मेरे साहब कहिंदे ने हठ करके अगर तू इस मार्ग दा पांधी बन के संजम भी बहुत कर लेवेगा, ते हठ कर मरे ना लिखै आवै, वेस करै बहु भसम लगावै। ऐ भलिया इस मार्ग ते चलन दी लोड़ नहीं, ते मालक दे चरणा विच आके कोई जाप तप ते संजम दा अंदर हौं भाव लैके ना आई भी मैं बड़ा जप करन वाला, मैं बड़ा तप करन वाला, मैं बड़ा संजम करन वाला, बल्कि ये आखी जप तप संजम कर्म न जाना। इन्हें कर्म यह है कर्म कांड, ध्यान च रख लेना। मैं ये नहीं कुछ जानता, मैं की जानता हाँ, नाम जपी प्रभ तेरा, नाम जपी प्रभ तेरा, नाम जपी प्रभ तेरा, नाम जपी प्रभ तेरा, मालक मैं तेरा नाम जपया है, मैं तेरे बंदगी दे राह ते चलिया, मैनू होर किसे कर्म करन दी लोड़ नहीं। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। एक बात मैं कह लीवा, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े संजम करन वाले जदों डुबन लगे ते पता ना लग्या किवें झाटी डुब गए, ते पातशाह तेरी चरण शरण विच आके मैनू इको एक आसरा मिल गया, मैं तेरा नाम जपन दा राह अख्तियार कीता। नाम जपन वाले हुण जरा ध्यान च रख लेना, हौं विच नहीं पर दे, नाम जपन वाले
वो कर्म दे मार्ग ते नहीं चलते, नाम जपन वाले औगन विकार पल्ले विच नहीं बनते, नाम जपन वाले गुरु ते परमेश्वर का भरोसा कदी नहीं छड़दे, नाम जपन वालियां नू अंदर एक विश्वास हो गया भी सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसिया थाओ, उन्हां नू भरोसा बज गया भी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरन विच बड़ी बरकत है, दुख मुक जांदे ने कलेश मुक जांदे ने, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै, अंदर दी तृष्णा बुझ जांदी है, प्रभ कै सिमरन सब कुछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, ए मालिक मैं तेरा नाम जपन दे मार्ग ते चलिया, बाकी मैनू कुछ भी नहीं आंदा। गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचा शब्द नबेरा, गुरु दे मिलन राही परमेश्वर दा मिलन हो गया। गल ध्यान च रखियो, लोग जो लभदे ने रब दा मिलाप किवें होवेगा, मेरे साहब कहिंदे ने गुरु दा मिलाप कर लेवी रब दा मिलाप हो जाएगा। असी सोचते होवांगे असी तो गुरु नू मिलदे हां, बाणी पढ़ते हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी मत्था टेकते हाँ, असी गुरु शब्द का कीर्तन भी सुनते हाँ, असी गुर शब्द की विचार भी सुनते हाँ, असी गुरु नू मिलते हाँ, परमेश्वर नहीं मिलिया। मैं एक बेनती करांगा, मिलिया मिलिया ना मिला, मिला मिलिया जे होए अंतर आत्मा जो मिला मिलिया कहिया सोए। धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने मिलाप का एक रूप दर्शाया, सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठै मुक्त ना हो वही जिचर शब्द ना करे विचार, ए मिलना नहीं ए अजे बाहरों मिलना, जब मैं ये कह लेवा ए उस मिलाप तक पहुँचन दे साधन ने, पहला मथा टेकिया ये भी मिलाप का एक कदम है और जरूर उठाना है, फिर बाणी सुनी जा पढ़ी ये भी एक मिलाप का कदम है, कीर्तन सुनिया जा कथा सुनी ये भी एक मिलाप का राह है, पर जिस दिन गुरु मिलन की गल आ गई, गुरु है ज्ञान, जिस दिन अंदर दी सुरत विच गुरु का पूर्ण तौर पर ज्ञान स्थित हो गया, समझ लेना उस दिन गुरु का मिलन हो गया। गुरु सानू बोलां राही एक गल कहिंदे ने, मैं संखेप मात्र एक पंक्ति कहन लगा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, कि सचमुच अंदर दे भाव विच ऐसी गल आ गई है। गुरु बाणी दे बोलां च कहिंदे ने रसना जपती तू ही कि सचमुच अंदर दा भाव ओ तू ही विच हर समय चला गया। गुरु कहिंदे ने आठ पहर सिमरो प्रभ नाम, कि हर वेले सुरत नाम विच जदों एकमिक हो गई है तो समझ लेना गुरु दा मिलन हो गया। यह अवस्था समझ लेना सीधा परमेश्वर दे मिलाप तक सानू लै गई। गुर परमेश्वर नानक भेट्यो गुरु दे राही उस परमेश्वर नूं, धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने मिलन कर लिया साचा शब्द नबेरा। इस साचा शब्द ने सदीवी कैम रहन वाले गुरु के अमोलक बोलां ने मेरा नबेड़ा कर दिता, हुण झगड़ा नहीं रह गया, हुण काम क्रोध दा अंदर झगड़ा नहीं रह गया। कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगरत जन्म गवाया, कहन लगे हुण ते नबेड़ा हो गया, हुण औगण विकार एक पासे हो गए, हुण जिंदगी धर्म दे मार्ग वाल एकमिक हो गई। ऐसी गुरु ने बख्शिश कर दिती, डुबदा जीवन गुरु ने भाव सागर तो पार कर दिता, औगण विकारां विच डुबदी सुरत नूं गुरु ने शब्द दे घर विच रख के हुण जिंदगी कह लईए डुबन दे खतरे विच नहीं है। मालक रहमत करन, अरदास करिए गुरु तारनहार हो मैनू तार लैना जी। इन अखरां नाल तीन दिन तो गुर शब्द विचार की सांझ करदे आं, होईआं भुल्लां दी खिमा। विशेष सूचना जो 25 जून नूं सिख पंथ की एक महान शख्सियत बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, जिन्होंने
कह लिए जीवन गुरु दी शरण विच आके बंदा बनाया, बंदा ही नहीं बनाया, बंदा सिंह बने, बंदा सिंह ही नहीं बने बल्कि बंदा सिंह बहादुर बन के कलगीधर पातशाह जी दियां सीसां लईयां। उन्हां दा अगले साल 300 साल जो बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीदी दिन आ रहा उस दिन नूं समर्पित होण ही इसे महीने 25 तरीक नूं महरौली विखे जो एक महान कीर्तन दरबार गुरमत दरबार आरंभ किया जा रहा है उस विच वध चढ़ के हाजरियां भरना। यह दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साल भर ही उन्होंने उस दिन नूं समर्पित वक्रिया वक्रिया थावां ते कीर्तन दरबार गुर शब्द विचारां दे समागम जो आरंभ ने एक बहुत वड्डा उपराला है। तो मैं कह लेवां कि गुरु घर के प्रबंधक साहबानां ने जो उपराला आरंभिया आप सारिया संगतां वध चढ़ के तन मन धन करके इन्हां समागमां विच हिस्सा लो ते समागम मनांदिआं गुर शब्द की सांझ करदिआं बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी तो प्रेरणा लैणा असीं भी बंदे बन सकीए, असीं भी बंदा सिंह बन सकीए, असीं भी बंदा सिंह बहादुर वर्गी बहादुरी अंदर लिया के अपना जीवन चढ़दी कला वाला बना सकीए जी। इन्हां अखरां नाल मैं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ये कीते जा रहे उपराले दे लई उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा अते रखे गए इन्हां समागमां दे लई मैं अपने वल्लों भी तीन दिनां दी शब्द विचार लई समूह प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद करदे आं। गुरु घर दे सिंह साहिबान समूह ग्रंथी साहिबान मुख ग्रंथी साहिबान सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी अते सारियां संगतां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां दी खिमा करदे आं आओ सारे गज के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।